तो राबिया पकोड़े वाली कितना दे रहे अभी? तुम्हारे वाले क्योंकि तो नहीं आ रहे। क्योंकि अभी भूख बहुत ज्यादा बढ़ रही है। रहमान रहीम, हम सब इस वक्त छत पे बैठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो पकोड़ा पार्टी है हमारी वो अभी रहमान रहीम ये और ऑयल रहमान रहीम नो, ये लो तुम्हें भी भूख लगी। माशाल्लाह जी, वेरी क्रिस्प। खाए 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 खाए, जबर सिर्फ पकोड़े खावने। सुन लो, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं, जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। मेरा कद तुम्हारे कद से बड़ा है। अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम हमारे चाहने वाले हमारे प्यारे प्यारे से बहन भाइयों को दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का वक्त है, मीठी मीठी सी धूप है और हम लोग जा रहे हैं ट्यूबवेल पे पानी चेक करने के लिए कि सर्दियों का पानी ठंडा है। माने कि जब ये गंदम थोड़ी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो ऐसे लगेगा ना कि जैसे पूरा कारपेट बिछा हुआ है। कैसा? गरम गरम। अच्छा, यहाँ पर ये खासियत है कि सर्दियों में पानी गर्म होता है और गर्मियों में पानी। हमारे जो मेहमान आते हैं तो वो भी इस रास्ते को, इस वीडियो को देख के याद आ जाता होगा उनको कि हम लोग उनको यहाँ से ही ऐसे लेके जाते हैं। ऐसे वो सामने मामू का घर, मेहमानों का इस्तकबाल भी ऐसे ही होता है जी, ये सामने आ जाते हैं पहले और हमें भी लेने के लिए आ जाते हैं ये। हाँ, इस्तकबाल पहले। हाँ, अब इधर आए हुए मामू के घर पे कोई नहीं है मेरे ख्याल में, मेरे ख्याल में वो गए हुए हैं उधर जानवरों का घास बनाने के लिए। ये सामने आपको नजर आ रहा होगा कि अभी कमाद की जैसे कटाई हो रही है ना, तो ये जानवरों के लिए लेके आए हुए हैं। ये लो, ये खाओ। हाँ, ये करना सही है, ये खाओ। वहां से तोड़ रही थी, नहीं टूट रहा था, तो इसको मशीन में टोका लगा के तो फिर जानवरों को खिलाया जाएगा। तो सामने खड़ी हुई है पालक तोड़ने के लिए और यहाँ पर आया हूँ तो हमारी भाभी साहिबा जो है अभी से ही शुरू हो गई है, सारा साग खत्म करे जा रही है। सारा तो तू खो, वैसे दसा क्या खाओ सू राबिया, सुनाओ। पालक है? हाँ, छोटी छोटी सी है। पकोड़े बन जाएंगे? हाँ जी हाँ जी, वे एक मुट तो ये बस बहुत है, एक मुट हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमान रहीम। ये मूली है मत? हाँ, मैंने देखी है। देखिए, गोंगलू है, मूली है। गोंगलू मतलब शलजम? हाँ जी, शलजम। तो ये मैं ऊपर ऊपर से ही तोड़ूंगी। रहमान रहीम, अभी धनिया काफी छोटा है लेकिन इतना है कि गुजारा हो जाएगा। अच्छा, लहसुन तो नहीं चाहिए? अहमद, दो तीन पत्ते चाहिए लहसुन के। हाँ जी। अच्छा, आ जाना फिर, मैं थोड़ा सा धनिया। इसकी खुशबू अलग ही है। बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा पालक पटना ऐसे तू शुरू थे जी, पहले सारा साग खोती रहनी है तू। ये लो थोड़ा सा और खुद ही ले लो, मुझसे नहीं टूट रहा। हाँ, तो पालक और धनिया हमने ले, और लहसुन, लहसुन वो रहा ना, कितने चाहिए? बस ऊपर से पत्ते पत्ते पड़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशबू के लिए बताना। क्योंकि और दूसरा सूखा डाल दूंगी ना धनिया, इन सब चीजों को घर जाके वाश करूंगी। बहुत है? हाँ बहुत है अहमद, बस बहुत है। और सूखा डालूंगी ना, ये देखे। माशाल्लाह, चले चले। देखे, ताजी चीजों की अपनी खुशबू होती है। क्योंकि मैं सिर्फ पकौड़े ना पालक वाले खाती हूँ, अहमद खाते हैं आलू वाले पकौड़े। अहमद को आलू वाले बनाकर दूंगी और मैं पालक वाले खाऊंगी। चले, अभी हम ट्यूबवेल पे आए हैं, हमने कहा कि पालक वगैरह इसको यहीं से ही धो लेते हैं क्योंकि फ्रेश पानी आ रहा है ताज़ा ताज़ा, और घर की तरफ जा रहे थे तो मैंने कहा अब यहीं से धो के चलते। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, स्कूल कर नहीं की? हाँ इरम स्कूल गई हमें वाला यहीं वाला हूँ कि देवे नहीं पी डिग्गी थे क्या करान धावण में नहीं पी अम्मा ने हवा चल रही है बहुत तेज,
बेगम साहबा यहाँ पर बैठ के बना रही थी तो ऊपर से चटाई सारा कुछ गिर गया। अच्छा 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 अच्छा, चलो चलो, हवा बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी करके छत पे आ गए हैं और उसी चटाई पे बैठे हैं जहाँ पर अक्सर हम बैठ के नाश्ता करते हैं। और पालक, धनिया और ये सब चीजें एक साथ काट दोगी? आपको पता है बहन भाइयों कि मैंने इसे टूवल पे वॉश कर लिया था, अभी सिर्फ इसमें मैं इसे कटिंग करूंगी। अच्छा, ये पालक वाले पकौड़े मेरी समझ में नहीं आया। पालक वाले पकौड़े जो है ना, बड़े मजेदार और नरम नरम से बनते हैं बहुत ना। तुम तो आलू वाले खाओगे ना, तुम पालक वाले तो खाओगे। और चिकन वाले भी खाऊंगा, चिकन भी साथ रखा हुआ। तुम्हारे पास तुम्हारे लिए नहीं है वो, और वो मेरे हैं सारे, तुम खा जाओगे। हाँ जी। अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारी अपनी क्रिएशन है, ये देसी अंडा, ये भी पकौड़ों में जाएगा? हाँ जी। अच्छा जी, ये भी पहली दफा मैं देख रहा हूँ कि गांव का जो हमारे पकौड़े बन रहे हैं उनके अंदर देसी अंडा भी है। हमारे गांव वाले ना अंडे डाल के पकौड़े बनाते हैं, बड़े मजेदार बनते हैं, ये देसी रेसिपी है। अल्हम्दुलिल्लाह पालक हमारी कट चुकी है और हम प्याज कर रहे हैं कद्दूकश, क्योंकि मेरे भाई वगैरह भी इसी तरह से करके डालते हैं पकौड़ों में। भाई वगैरह का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि इसके भाई और इसके अब्बू भी यही पकौड़े और समोसों का काम करते हैं। हमारे दादा से, परदादा से ये कारोबार चलता हुआ आ रहा है। हमारे दादा ने किया, फिर हमारे अब्बू ने किया। वैसे एक बात है, मुझे पकौड़े और समोसे जो राबिया बनाती है ना, समोसे किसी दिन मैं कोशिश करूंगा कि राबिया स्पेशल वो रेसिपी बनाए, इतने टेस्टी होते हैं यकीन करें। अच्छा एक काम करते हैं, अभी जो मेहमान आएंगे ना हमारे पास, समोसों की एक पार्टी लाजमी करेंगे इंशाल्लाह। अब जिसके नसीब में भी हैं, देखते हैं कौन आते हैं और समोसे की पार्टी हमारे साथ, और राबिया के हाथ के समोसे खाते हैं इंशाल्लाह। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह प्याज कद्दूकस हो गए हैं, जो धनिया मैंने कुछ मामू की जमीन से कुछ अपनी तरफ से तोड़ा था मैंने, तो धनिया हमारा पूरा हो चुका है, पालक भी हमें पूरी है और अभी मैं काट रही हूँ। जब मैं ये आलू छील रही हूँ, ये आलू भी कद्दूकस होंगे पकौड़ों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आलू हमारे छिल गए हैं और वाश भी हमने कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बन रहे हमारे कचौरी वाले पकौड़े। कद्दूकस हो चुके हैं? हाँ जी। नहीं, ये दो आलू बचे हैं तो मेरे पकौड़े कहाँ जाएंगे? मैं तो अगोल दूसरे वाले पकौड़े खाता हूँ ज्यादा, ये तो तुम सारे कद्दूकस करके रख दोगी। नहीं तो तुम्हारे लिए मैंने आलू मंगवाए आधा किलो, क्यों घबराते हो? टेंशन नहीं लेनी। चिकन वाले भी तुम कह रही हो तो मैं नहीं दूंगी। नहीं, तुम्हारे लिए मैं गोल वाले बनाऊंगी ना, आलू वाले पकोड़े गोल वाले। शुक्र है गोल गोल आलू नजर तो आए। ये तुम्हारे लिए ही बन रहे हैं पकोड़े, बेफिक्र रहे हैं, आपके लिए मैं पकोड़े बनाऊंगी। चार दिन से तो कह रहा हूँ, चार दिन के बाद आज अल्लाह। अभी हम कर रहे हैं मसाले ऐड, हमने डाला इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट, का एक पिसा हुआ धनिया और एक बड़ा चम्मच हम नमक का डालेंगे इसमें, और फिर बाद में हम नमक टेस्ट भी करेंगे कि नमक पूरा है या नहीं। जीरे में हमारे हल्दी अक्सर नहीं मिला चुके हैं तो हम ये हल्दी वाला ही जीरा डाल लेंगे, कुछ हमने मंगवाया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसी भी नहीं कुटी हुई मिर्चें, ये देखें कुटी हुई मिर्चें हैं, ये गांव की हैं जी। हाँ जी, बस बहुत तेज है। ये एक किलो हमारा बेसन है और हम बेसन को दो जगह बनाएंगे, एक जगह बनाएंगे हम सादा नमक वाला बेसन पकोड़ों के लिए सिर्फ आलू वाले, और एक जगह बनाएंगे हम कचौरियों के लिए, ये देखें। और इसमें अभी मैं अंडा भी ऐड करूंगी, ये देख। अस्सलाम वालेकुम, स्कूल से आ गए? छुट्टी हो गई? अच्छा आज तुम्हारी फरमाइश के पकोड़े बन रहे हैं जो तुम भी दो दिन से कह रही थी हैं? हम इसमें करेंगे थोड़ी सी मेथी ऐड, क्योंकि मेथी से पकोड़े जो बनते हैं ना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बड़े मजेदार बनते हैं। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। छुट्टी हो गई? अच्छा वर्दी भी चेंज नहीं की, ऊपर आ गई? हाँ। जल्दी से जो कपड़े चेंज करके पकोड़े खाओगी? चलो निकालो, ये भी अभी सूख चुकी हैं। तो ये कहाँ से, यहीं से ले लोगी? आग जल चुकी है?
हाँ जी। चलो मैं आ रहा हूँ। बहुत है, बहुत है। अल्लाह रहमान रहीम। हवा भी बहुत तेज चल रही है आज, है ना? आज धुंध नहीं थी ना, आज धुंध बिल्कुल नहीं थी तो इसलिए हवा तेज है आज। क्या हुआ? बस बहुत है। पहले पहले मेरी फरमाइश के पकौड़े बने जी, आलू वाले। हाँ जी, हाँ जी, माशाल्लाह। हम अपने आप को छोड़ दिया, आपको देख लिया हमने। और ऑयल मैंने डाल दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ऑयल गर्म होता है तो अहमद की फरमाइश के पहले पहले पकौड़े बने जाए। है जी गांव की स्पेशल सौगात, इसको कहते हैं सुहाजना। इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है इसकी रेसिपी भी हम अपलोड करेंगे और जो आप बहन भाइयों से जो है ना हम शेयर करेंगे। और रबिया वो सामने बैठ के पकौड़े बना रही है। यहाँ से बच्चे अक्सर कच्चे बेर तोड़ के खाते रहते हैं, जो मैं इनको मना करता हूँ। अभी भी कह रही है अब तोड़ के दो। नहीं 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 नहीं, चलो कच्चे खांसी हो जाएगी। चलो रबिया इसके बारे में कुछ बताओ। ये है हमारी सर्दियों की सौगात इसे कहते हैं सुहाजना। ये सुहाजना कचनाल की तरह पकता है और कचनाल की तरह मजेदार होता है। इसे इसकी आप हर रेसिपी के साथ इसे बना सकते हैं। आलू के साथ भी बना सकते हैं, चिकन के साथ भी, बीफ के साथ भी, मटर के साथ। इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसकी भी रेसिपी हम अपलोड करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसकी जो फली है ना शुगर वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसका पानी बहुत ज्यादा फायदेमंद है शुगर वालों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह तेल हमारा गर्म हो चुके हैं तो हम एक पकौड़ा डालकर चेक करेंगे कि तेल वाकई गर्म है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पहला पूर हमारा डल चुका है। और क्या डल चुका है? पहला पूर। पूर? हाँ पकौड़ों का पहला पूर जी हमारा डल चुका है। और अभी मैं इसके नीचे करूंगी आग तेज। अहमद एक फूकनी ले दो। फूकनी? हाँ जी। कैसे वाली? हाँ जी। अच्छा फुकाने वाली नहीं, आग जलाने वाली। अच्छा अच्छा। हाँ अक्सा, तुम बच्चों अक्सा, अक्सा कैसे इंतजार में बैठी है कि पहले पहले पकोड़े निकलेंगे और मैं खाऊंगी, है ना? है ना? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ है कि पकोड़े भी हमारे तैयार हो रहे हैं और इत्तेफाक से मेरे कज़न भी आए हुए हैं, वो सामने बैठे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि पहले पहले ये पकोड़े निकालो राबिया और मैं जो है ना वो उनको दे के आऊँ। हाँ जी हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पकोड़े बन चुके हैं और हम अभी इसे ना टोकरी के अंदर रखेंगे ताकि इसका और तेल निचड़ जाए अच्छी तरीके से। तो हमने थोड़े से वो पकोड़े बनाए, थोड़े से ये बनाएंगे, थोड़े से हम चिकन के बनाएंगे। तो तीनों रंग के पकोड़े हम इनके कजन के आगे रखेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पकोड़े ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। ये देखे हमारे पकोड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह कैसे कैसे माशाल्लाह से कलर अच्छा आ रहा है पकौड़ों का। आज मुझे अपने अब्बू की याद आ गई, आज मुझे पकौड़े बनाते हुए अपने अब्बू की याद आ गई, क्योंकि हमारे अब्बू की यही चीज़ें, यही कढ़ाई और इसी तरह से पोने होते हैं। और इतने हमारी अम्मी टेस्टी पकौड़े बनाती थी ना, हमें भी इसी तरह से बना कर देती थी। आज जिस तरह से मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, ये तो एक रीत है, रस्म है जो चलती आ रही है। पकौड़े देखे हमारे कितने अच्छे से रेड रेड कलर दे गए हैं, देखे गोल्डन ब्राउन कितने जबरदस्त लग रहे हैं। देखें ये है पकौड़े हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह। रबिया सब्र नहीं हो रहा, जल्दी से बनाओ क्योंकि मैं तीन दिन से पकौड़े बना रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन की बारी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी हो रहे हैं जी ये चिकन वाले पकौड़े तैयार मेहमानों के लिए। मेहमानों के लिए आज हमारी समझ लें कि गांव में ये पहली पकौड़ा पार्टी है।
पकौड़ा पार्टी पहले हंसी क्यों आई? मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने सुसर साहब का, अल्लाह पाक उनको जन्नत और फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए कि उन्होंने पकौड़े वाली बीवी मुझे जो है ना दे के गए। पकौड़े हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो हम थोड़ा सा इन्हें दबाएंगे। ये पानी सेन का जो अंदर पानी था वो निकल चुका है और घी अंदर पहुंच गया ताकि मुर्गी अंदर से कच्ची ना रहे। तैयार हो गए हमारे मेहमानों से बिल्कुल तो सफर नहीं है तो कहना नहीं जाना है खार तो हम जल्दी जल्दी इन्हें डिश में डालेंगे। डिश में ला रखना माशाल्लाह जी वेरी क्रिस्पी स्पाइसी अदा एगन ये तो गेन गेन से और मतलब नाम है। अच्छा ये अभी आपने खा के हमें टेस्ट बताना है कि कैसे बने आमदनी पे भाई प्लेट चाहिए चटनी हाँ चटनी भी साथ एक प्लेट ये प्लेट दे दो एक हाथ से एक नदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चटनी लेके आ रहा हूँ। अच्छा वो भाई कह रहे हैं कि भाभी खुद दुकान लगा लो। ये खानदानी पकोड़े वाली है ना भाई इनके अब्बू इनके भाई। अच्छा जरा टेस्ट करके बताएं कैसा चिकन वाला भी बताएं आलू वाला भी और कचौरी वाला भी। एक मिनट खाएं 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 जबरदस्त जजाकल्ला जी। बस कजन कह रहे माशाल्लाह वीआईपी। अच्छा ये तो चिकन वाला टेस्ट किया है ना दूसरा कचौरी वाला आलू वाला अच्छा चेक करो जी हूँ तुसा दसो ये कचौरी वाले के अंदर पालक धनिया ये सब चीजें डाली हुई हैं। नमक कम है बेहतरीन थैंक यू। अच्छा तुमसे भी सबर नहीं हो रहा ये भी शुरू हो गई चिकन वाला खा रही है देखो बिल्कुल भी कच्ची नहीं माशाल्लाह। अक्सा वो तो अभी चाचू खा रहे हैं ना देखो अभी उनको खाने दो फिर अपने अभी दूसरे बनाएगी ना मम्मा फिर तुम्हें देगी। हाँ जिद कर रही है राबिया बस अभी मैं बना, एक मिनट में बना देती हूं। अच्छा अब ये देखें कि ये दोनों भाई लग रहे हैं है न दोनों भाई लग रहे हैं ये तुम्हारा छोटा भाई है एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं। सबर नहीं हो रहा लेकिन चेक कर तो दसा खा कैसा मजेदार। जाते जाते कह रहे हैं कि अभी जब भी फिर आऊंगा जय वाले उस वाला क्या खोसू सिर्फ पकौड़े खावने सुन लो राबिया हाँ जी, हाँ जी। भाई कह रहे हैं फिर जब आऊंगा तो पकौड़े खाऊंगा पकौड़े वाले जिंदाबाद बोर्ड बनवा लो। तो राबिया पकोड़े वाली कितना दे रहे अभी तुम्हारे वाले क्योंकि तो क्योंकि अभी भूख बहुत ज्यादा बढ़ गई। फाइनली बाकी सारे पकोड़े बन चुके हैं आखिरी चिकन वाले रहते हैं जो जल्दी जल्दी से बनाए जा रहे हैं और एक दफा बना के बेसन में दोबारा डाले जा रहे हैं फिर इसको दोबारा से निकाल के तो फिर दोबारा बनाया जा रहा है ताकि अच्छे तरीके से पक जाए। अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारी मेहनत के बाद और बेगम के रोने के बाद क्योंकि धुएं की वजह से रो रही है बहुत ज्यादा तो हमारे पकोड़े जो हैं वो बिल्कुल ही तैयार हो चुके हैं और ये आखिरी दफा है आखिरी पूर है ना जी हाँ जी तो ये आखिरी पूर है जी जो तैयार हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह और अभी जो है ना हम इनको यहीं डिश आउट करके तो हम जो है इनको यहीं छत पे बैठ के खाएंगे क्योंकि जो नज़ारा है वो फिर आप सब बहन भाइयों के सामने है इंशाल्लाह हम अभी वहाँ बैठ के तो इनको खाएंगे। ये लो तुम्हें भी भूख लगी होगी पकौड़े खाती है जी ये भी ये लो तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी मेहनत के बाद फाइनली जी हमारे मेहमान आज अल्लाह की रहमत भी हो रही है कि पहले भी मेरे दो कजन होके गए तो अभी ये फिर दो और आए हैं माशाल्लाह जी दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम बिल्कुल। तो हम सब इस वक्त छत पे बैठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो पकौड़ा पार्टी है हमारी वो अभी चल रही है
पकौड़ों के साथ इस वक्त ये चटनी जो है ये आलू बुखारे की है। ये जो बाजी हमारी आई हुई थी ना वो बना के दे के गई थी छोटे शेफ की अम्मी। हाँ जी, ये माशाल्लाह बहुत टेस्टी है, मैंने उस दिन खाई भी थी। तो आज पकौड़ों के साथ तो इसका मजा ही कुछ और होगा। अब जरा पकौड़े डाल के दो अहमद भैया, और ये वाले सारे आलू वाले पकौड़े हैं मेरे, ये लो। जवाब केचप तो लिया हूं नीचे से जाके, केचप भी खाएंगे बच्चे। हाँ जी, चटनी चटनी दो, खाओ ना बेटा, चटनी के साथ खाऊंगी। रोटी के साथ खाओ, रोटी के साथ, रोटी नहीं खानी, ऐसे ही ऐसे ही, सिर्फ रोटी के साथ मैं और राबिया खा रहे हैं जी, बाकी भाई भाई भी रोटी के साथ खा रहे हैं। की मैदा मजेदार है ना, हाँ देहात में भी हम केचप खा सकते हैं जी, क्यों नहीं खा सकते। ये भी वो बाजी दे के गई थी। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, प्योर आलू बुखारा है और इसके अंदर बादाम। राबिया एक क्या था बेजे बेच, खरबूजे था नहीं, ये मगज है। वो क्या होंगे मगज, दिमाग, चारों मगज। टोरा टोरा पकौड़ा पार्टी चालू है, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, अभी आ रहे हो स्कूल से, छुट्टी हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो जो खाता जा रहा है उसको कोल्ड ड्रिंक भी मिलती जा रही है साथ। आज सही से पकौड़ा पार्टी एंजॉय की है हमने। मामू के घर जा रहे हैं पकौड़े। वसीम आ गया है मेरे जेठ का बेटा पकौड़े लेने। केचप दे मैं, चटनी दे मैं, केचप होवे चटनी होवे चटनी दे यार। स्कूल के बच्चे हैं ना, केचप खाते होंगे है ना, वरना देहात वालों को केचप का इतना पता नहीं है, क्यों है ना, स्कूल से आए, भूख तो लगी होगी। जल्दी जल्दी जाके तुम भी पकौड़ा पार्टी का हिस्सा बन जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट करते हैं जी पहला निवाला बिस्मिल्लाह करके, क्योंकि टाइम काफी सारा हो चुका है और भूख बहुत ज्यादा तेज लगी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह राबिया, आउटस्टैंडिंग, मजा आ गया। हादिया कैसा? अच्छा। जबरदस्त। अक्सा ये मामू के घर इरम मजे वाले हैं ना, हाँ इरम। अच्छा केचप मिल रहे हैं, ये मामू के घर, ये मामू की तरफ जा रहे हैं जी। तो इंशाल्लाह हमारी ये पकौड़ा पार्टी जो है हो चुकी है। आपको कैसी लगी है? भूख बहुत तेज बढ़ गई है जी। अगली वीडियो तक इजाजत चाहेंगे आप सब बहन भाइयों से, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा याद। थोड़ी सी पहले आखिर में ये कहूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पकौड़ा चैनल को। इंशाल्लाह जी, अब जब मेहमान आएंगे उनके साथ यहीं पर होगी समोसा पार्टी। हाँ जी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।